नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टर्न स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। हर साल कजरी तीज का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। इसे कजरी तीज या सातोड़ी तीज भी कहते हैं। कजरी तीज तिथि साल के महत्वपूर्ण तीज में से एक मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद मनाए जाने वाले इस पर्व का महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस वर्ष सुहागिन महिलाएं अपने पति और संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और तरक्की के लिए रखती हैं। कजरी तीज का व्रत रखना और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना बहुत सुख समृद्धि देता है। इस साल कजरी तीज 2 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 1 सितंबर 2023 की रात 11:50 पर शुरू होकर अगले दिन 2 सितंबर 2023 की रात 8:59 पर समाप्त होगी। इस साल कजरी तीज में पूजा करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। कजरी तीज 2 सितंबर की सुबह 7:57 से सुबह 9:31 और रात 9:45 से रात 11:02 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहता है। कजरी तीज को बड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन नीमड़ी की पूजा भी की जाती है। उत्तर भारतीय राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में महिलाएं तीज का यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाती है। कजरी तीज के दिन छोटा सा तालाब बनाकर नीमड़ी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही दिन चंद्रमा का अर्घ भी जरूर देना चाहिए। कजरी तीज पर जौ, गेहूं और चने और चावल के सत्तू, घी और मेवा में मिलाकर पकवान बनाने चाहिए और फिर इन्हें खाकर चंद्रोदय के बाद व्रत खोलना चाहिए। कजरी तीज के दिन हरे या लाल रंग के कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने की गलती। कजरी तीज के दिन गाय की पूजा करना भी शुभ फल देता है। इसके लिए आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को हिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।